So guys, this is Kay. If you like this video, please like and subscribe. LIC Plan 847 Jeevan Shiromani. Shiromani is शब्द का अर्थ है सर पर धारण करने का रत्न या फिर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति. नाम से ही समझ में आता है कि LIC ने ये प्लान किसी स्पेशल लोगों के लिए बनाया है. ये आम लोगों के लिए है ही नहीं. चलो इस प्लान को डिटेल में समझते हैं. इस प्लान के फीचर्स एंड कंडीशंस हैं, मिनिमम एज एंड एंट्री 18 इयर्स लास्ट पर है, मतलब कम से कम 18 साल पूरे होने चाहिए. मैक्सिमम एज एंड एंट्री है 55 साल. मिनिमम सम अश्योर जो है वो 1 करोड़ से शुरू होता है, 1 करोड़, और इसको हम 5 लाख के इंटरवल पे दे सकते हैं, मतलब 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 10 लाख. मैक्सिमम सम अश्योर जो है इसकी कोई लिमिट नहीं है. इसका मतलब आप जितनी भी बड़ी पॉलिसी लेके आ सकते हो उतनी लेके आओ. LIC में बहुत दम है. इसकी PPT जो है वो लिमिटेड है, मतलब लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म. आमतौर पे जितना भी टर्म है पॉलिसी का उसमें से अगर हम लोग 4 को निकाल देंगे तो उतनी PPT है. चलो टर्म को डिटेल में समझते हैं. इसमें टर्म जो है वो फिक्स है, फ्लेक्सिबल नहीं है. पहला टर्म है 1 साल से लेकर 14 साल, मतलब 14 साल की पॉलिसी. लेकिन इसका प्रीमियम आपको 14 साल नहीं बनना है, वो प्रीमियम सिर्फ 10 साल ही बनना है. ये पॉलिसी का एज ग्रुप है 18 से लेके 55 साल तक. इसका मतलब PPT जो है वो टर्म माइनस 4, यानी 14 साल माइनस 4 विच इज 10 इयर्स, कितना 10 साल का PPT. उसी प्रकार दूसरा जो टर्म है वो 16 साल की पॉलिसी के लिए. 16 साल की पॉलिसी है लेकिन उसका प्रीमियम हम भरेंगे सिर्फ 12 साल तक, और इसका एज ग्रुप जो है वो 18 से लेके 51 साल का है, 18 से लेके 51 इयर्स. थर्ड टर्म जो है वो है 18 साल की, तो 18 साल की पॉलिसी हो गई, इसका प्रीमियम हम भरेंगे सिर्फ 14 साल तक. इसका एज ग्रुप हो गया 18 से लेके 48 इयर्स. और चौथा जो टर्म है वो है 20 साल के पॉलिसी का, इसका प्रीमियम हम भरेंगे सिर्फ 16 साल तक, और इसका एज ग्रुप बनता है 18 से लेके 45. इस पॉलिसी की एक खास बात ये है कि इसका जो बोनस है वो गारंटेड एडिशन है, और एंड में आपको लॉयल्टी एडिशन भी मिलता है. गारंटेड एडिशन जो है वो सिर्फ प्रीमियम पेइंग टर्म तक ही रहेगा, मतलब अगर 14 साल की पॉलिसी है और 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है तो गारंटेड एडिशन ये सिर्फ 10 साल के लिए ही है. उसमें पहले 5 साल के लिए जो गारंटेड एडिशन दिया गया है वो है 50 रुपीज पर 1000 सम अश्योर, और उसके बाद जो टर्म बचा है प्रीमियम पेइंग टर्म का उसके लिए दिया गया है 55 रुपीज पर 1000 सम अश्योर. उसके अलावा हमें लॉयल्टी एडिशन का बेनिफिट भी मिलता है. इसका मतलब इस पॉलिसी में हमें 5 साल का गारंटेड एडिशन मिलता है, प्लस रिमेनिंग प्रीमियम पेइंग टर्म का गारंटेड एडिशन मिलता है, प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलता है. तो हम लोग इसको बोल सकते हैं हमको 3 प्रकार के बोनस मिलते हैं. चलो हम लोग इसका मैच्योरिटी बेनिफिट समझने की कोशिश करें. एज 30 लिया हुआ है और 14 साल की पॉलिसी है. पहला ही प्रीमियम भरने पे हमारा 1 करोड़ का सम अश्योर क्रिएट हो गया, जिसके लिए हम साल का प्रीमियम भरेंगे 11,37,535 रुपये. इसका प्रीमियम हम भरेंगे 10 साल. 10 साल का प्रीमियम भरने के बाद आगे का प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं, हमें मिलता है प्रीमियम हॉलीडे, और 10 साल के बाद हमें सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है जो कि है 30% ऑफ द सम अश्योर. इसका मतलब 1 करोड़ के पॉलिसी पे 30 लाख रुपए. बाद में 2 साल के बाद यानी 12th ईयर में वापस सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है 30% ऑफ द सम अश्योर, जो कि आता है 30 लाख रुपया. और उसके बाद 14th ईयर में यानी 14वें साल में हमें मिलता है मैच्योरिटी अमाउंट, जो कि है बैलेंस 60% ऑफ द सम अश्योर प्लस गारंटेड एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन. ये कुल मिला के आ जाता है 1,14,00,000 रुपये. चलो इसका कैलकुलेशन देखते हैं. पॉलिसी है 1 करोड़ की, टर्म है 14 साल, प्रीमियम भरेंगे 10 साल, और टोटल प्रीमियम जो 10 साल में भरा है वो है 1,11,54,913 रुपये. तो इसमें सर्वाइवल बेनिफिट हमें मिलता है 30% ऑफ द सम अश्योर, जो कि है 30 लाख रुपया. दूसरी बार सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है 30 लाख रुपया. उसके बाद मैच्योरिटी पे हमको बैलेंस सम अश्योर्ड मिलता है जो कि है 40%,
यानी 40 लाख रुपया, उसके बाद 5 साल का गारंटेड एडिशन 50 रुपीज पर 1000 समर शॉट के हिसाब से वो आता है 25 लाख रुपया, गारंटेड एडिशन फॉर द रिमेनिंग पीपीटी वो आता है 55 रुपया पर 1000 समर शॉट विच कम्स टू 27 लाख 50 थाउजेंड, उसके ऊपर लॉयल्टी एडिशन हमने कंसिडर किया है 215 रुपया, इट इज जस्ट एन अज्यूम्शन, इतना ही मिलेगा ऐसा नहीं, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। तो हमने अपने सहूलियत के लिए समझने के लिए 215 कंसिडर किया है, तो हमें लॉयल्टी एडिशन मिलता है 21 लाख 50 हज़ार, इसका मतलब मैच्योरिटी पे यानी 14वें साल में हमें मिलता है टोटल 1,14,00,000। सो टोटल बेनिफिट ऑफ द पॉलिसी इज 1+2, मतलब सर्वाइवल बेनिफिट का 30 लाख, दूसरे सर्वाइवल बेनिफिट का दूसरा 30 लाख, और मैच्योरिटी पे 1,14,00,000, ये कुल मिलाकर हमें मिलता है 1,74,00,000। चलो मैच्योरिटी बेनिफिट फॉर नेक्स्ट टर्म देखते हैं। 16 साल की पॉलिसी है, हम प्रीमियम भरेंगे 12 साल तक, प्रीमियम भरने के बाद आगे का प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है, हम लोग एंजॉय करेंगे प्रीमियम हॉलीडे। उसके बाद हमें मिलता है सर्वाइवल बेनिफिट ऑन द 12th ईयर विच इज नथिंग बट 35% ऑफ समर शॉट, 35% समर शॉट का यानी 35 लाख रुपए। फिर 14वें साल में दूसरा सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है जो कि है 35% ऑफ द समर शॉट यानी दूसरा 35 लाख रुपए। फिर 16वें साल में हमें मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है यानी रिमेनिंग 30% ऑफ द समर शॉट प्लस गारंटेड एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन यानी 1,20,80,000। चलो इसका कैलकुलेशंस देखते हैं। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 35% मिलता है यानी 35 लाख रुपीस, सेकेंड सर्वाइवल बेनिफिट पे हमें वापस 35% मिलता है यानी 35 लाख रुपीस, और मैच्योरिटी पे हमको मिलता है 1,20,00,000, यानी कुल मिला के हमारा जो टोटल बेनिफिट है वो है 1,90,80,000। चलो अगले टर्म के लिए देखते हैं कैसा बेनिफिट है। 18 साल की पॉलिसी है, प्रीमियम भरेंगे 14 साल तक, आगे का प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर 14वें साल में हमें सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है जो कि है 40% ऑफ द सम अश्योर्ड यानी 40 लाख रुपये। फिर 16वें साल में मुझे दूसरा सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है जो कि है 40% ऑफ द सम अश्योर्ड यानी 40 लाख रुपये, और सीधा 18वें साल में मुझे मिलेगा मैच्योरिटी बेनिफिट जो है 20% ऑफ द सम अश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन, सो आता है 1,27,60,000। चलो इसका कैलकुलेशंस देखते हैं। सर्वाइवल बेनिफिट 1 में मुझे मिलेगा 40 लाख रुपया, सर्वाइवल बेनिफिट 2 में मुझे मिलेगा 40 लाख रुपया, और मैच्योरिटी पे मुझे मिलता है 1,27,60,000। सो कुल मिला के मुझे टोटल मिलता है 2,07,60,000। चलो अब अगला टर्म देखते हैं 20 साल का। 20 साल का टर्म है, इसमें प्रीमियम हम भरेंगे 16 साल तक, प्रीमियम 16 साल भरने के बाद आगे का प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर 16 साल में मुझे सर्वाइवल बेनिफिट 1 मिलता है जो कि है 45% ऑफ द सम अश्योर्ड यानी 45 लाख रुपये। उसके बाद 18वें साल में मुझे दूसरा सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है जो कि है 45% ऑफ सम अश्योर्ड यानी 45 लाख रुपये। फिर 20वें साल में मुझे बचा हुआ जो सम अश्योर्ड है यानी 10% जो बचा हुआ है वो मिलेगा, प्लस गारंटेड एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन, ये दोनों मिलेगा, यानी कुल मिला के मुझे 1,40,00,000 रुपए का मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। चलो इसका कैलकुलेशंस देखते हैं। सर्वाइवल बेनिफिट मुझे मिलता है 45 लाख, दूसरा सर्वाइवल बेनिफिट मुझे मिलता है 45 लाख, और मैच्योरिटी बेनिफिट मुझे मिलता है 1,40,00,000, यानी कुल मिला के मुझे टोटल मिलता है 2,30,00,000 रुपये। चलो आप डेथ बेनिफिट देखते हैं। मान लेते हैं 18 साल की पॉलिसी है, प्रीमियम रेगुलरली भर रहे हैं, और थर्ड ईयर में नेचुरल डेथ हो जाती है। ऑन नेचुरल डेथ द नॉमिनी विल रिसीव 125% ऑफ सम अश्योर्ड यानी 1,25,00,000, और 3 साल का गारंटेड एडिशन एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर 1000 सम अश्योर्ड। उसके बाद पॉलिसी बंद हो जाती है। इसका मतलब मुझे 1,25,00,000 रुपया मिल गया प्लस 15 लाख रुपया मिल गया, यानी कुल मिला के 1,40,00,000 रुपए का डेथ बेनिफिट मिलता है। अभी देखते हैं 7वें साल में अगर डेथ होती है तो क्या होता है। 7वें साल में अगर नेचुरल डेथ होती है तो नॉमिनी को 125% ऑफ सम अश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन 1 यानी 5 साल का गारंटेड एडिशन मिलेगा जो 50 रुपया पर 1000 सम अश्योर्ड है, प्लस गारंटेड एडिशन 2 2 साल का मिलेगा यानी 55 रुपया पर 1000 सम अश्योर्ड के हिसाब से गारंटेड एडिशन 2 साल का मिलेगा प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। उसके बाद पॉलिसी बंद हो जाएगी। अगर एक्सीडेंट में डेथ होती है, मान लेते हैं थर्ड साल
थर्ड ईयर में एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो नॉमिनी को 125% ऑफ द सम अश्योर्ड प्लस 3 साल का गारंटेड एडिशन का बोनस प्लस 1 करोड़ रुपया एक्सीडेंट राइडर बेनिफिट अलग से मिलता है। ये 1 करोड़ रुपया जो मिल रहा है वो स्टैंड अलोन है। पॉलिसी होल्डर के प्रीवियस पॉलिसीज में अगर 1 करोड़ का एक्सीडेंट बेनिफिट उसने लिया है तो वो भी उसको अलग से मिलेगा और उसके बाद प्लान बंद हो जाएगा। डिसेबिलिटी राइडर देखते हैं, मान लेते हैं थर्ड ईयर में एक्सीडेंट हो गया लेकिन डेथ नहीं होती, डिसेबिलिटी आती है, तो आगे का सारा प्रीमियम जो है वो LIC पे करेगा और उसके बाद एवरी ईयर 10% ऑफ द सम अश्योर्ड यानी 10 लाख रुपया उसको मिलते जाएगा अगले 10 साल में और 16वें साल में उसको सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलेगा 45% ऑफ द सम अश्योर्ड यानी 45 लाख रुपया। 18वें साल में उसको मिलेगा अलग से 45 लाख रुपया और 20वें साल में उसको मिलेगा मैच्योरिटी बेनिफिट जो आता है 1 करोड़ 40 लाख। अभी डिसेबिलिटी बेनिफिट में 1 करोड़ अगर प्रीवियस पॉलिसी में है तो ये प्लान का 1 करोड़ अलग से मिलेगा क्योंकि ये प्लान में जो राइडर बेनिफिट हम लोग दे रहे हैं वो स्टैंड अलोन बेनिफिट है। इसका मतलब इसमें जो बेनिफिट आपको मिलता है वो मैक्सिमम 2 करोड़ का ही बेनिफिट है, यानी 5 करोड़ अगर पॉलिसी देगा तो उसमें 2 करोड़ का ही आपको बेनिफिट मिलेगा, 3 करोड़ का बैलेंस प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। चलो क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट भी देखते हैं। इसमें इन बिल्ट क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट है एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द सम अश्योर्ड यानी 10 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट इन बिल्ट है। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट का मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, वो देख लीजिए, उसमें आपको इन डिटेल क्रिटिकल इलनेस में क्या क्या बीमारियां हैं वो क्या क्या बीमारियां कवर की हैं वो सारे दिए हैं। 10 लाख का बेनिफिट यहाँ पे दिया हुआ है प्लस आप कैंसर कवर का अगर 50 लाख रुपए का लेते हैं तो टोटल बेनिफिट आपको जो मिलेगा वो 60 लाख का बेनिफिट मिलता है। ये बहुत ही जरूरी बेनिफिट है। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट में अगर फर्स्ट डायग्नोसिस हो गया और आपको ये बेनिफिट मिल गया तो आगे का 2 साल का प्रीमियम आपको नहीं भरना है, उसको डेफर किया है, 2 साल के बाद उसे भरना है लेकिन इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, विदाउट इंटरेस्ट आप पे करना, प्रीमियम तो भरना है, सिर्फ 2 साल का हॉलीडे मिलता है। उसके बाद अगर डायग्नोस हुआ लेकिन आपको सेकेंड ओपिनियन लेना है और सेकेंड ओपिनियन के लिए पूरे प्लैनेट पे आप किसी के पास भी जाते हो उसका जो भी फीस है वो फीस भी LIC आपको देती है विथ सम लिमिट, तो उसको हम लोग सेकेंड ओपिनियन बेनिफिट बोलते हैं कि वो ओपिनियन के लिए जो फीस मुझे देनी है वो फीस भी LIC कवर करती है, वो फीस जो भी है उसको क्रिटिकल इलनेस में से कट नहीं करेगी, वो अलग से बेनिफिट आपको मिलेगा। पेड अप वैल्यू बेनिफिट भी है जिसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, इसमें आपको सरेंडर वैल्यू बेनिफिट भी है, इसमें आपको लोन बेनिफिट भी है और ये सारे बेनिफिट 3 साल के बाद शुरू नहीं होते ये प्लान में, क्योंकि ये स्पेशल प्लान है, ये सारे बेनिफिट आपको 1 साल के बाद ही शुरू होते क्योंकि ये खास प्लान है। अगर आप वाकई में खास हैं, श्रेष्ठ हैं, स्पेशल हैं, इंपॉर्टेंट हैं, शिरोमणि हैं तो जीवन शिरोमणि आपके पास होना ही चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।